हम नैमिषारण्य पहुंच गए हैं और वही पुराना नज़ारा, दोनों साइड बहुत सारी सजी हुई दुकानें, हल्की हल्की खुशबू और यहाँ से लेफ्ट से लेफ्ट कहाँ से आ गए लोग मेन गेट से नहीं आए, वो कहाँ रह गए? ये आपके पास एकदम पूरे फॉग, उसके ऊपर फॉग आ गया है, कैमरे के ऊपर पूरे फॉग फॉग आ गया है ऊपर। हाँ, फॉग आ तो गया है, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। नैमिषारण्य हम पहुंच गए हैं, अब बताओ क्या करने का है? मैं सुमित मिश्रा, नैमिषारण्य तीर्थपुर। आप जिस तीर्थ पे आए हुए हैं, इस तीर्थ का नाम है चक्रतीर्थ। ये आप जो तीर्थ देख रहे हैं, इसके 8 कोण बने हुए हैं। ये माँ सती जी का हवन कुंड हुआ करता था। ये 8 कोण जो देख रहे हैं, ये 8 कोण अष्टकोणी नाम का, ये ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न चक्र है, जो कि कलकाल में आने वाले युगों में सभी ऋषि मुनि देवता जी ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे प्रभु मुझे कोई ऐसा तीर्थ बताइए जहाँ पे बैठ के हम हवन तप यज्ञ कर सकें। तो सभी ब्रह्मा जी ने सोचा कि आगे में कलयुग आने वाला है, और उन्होंने कहा कि ये अपने मन से चक्र को छोड़ रहे हैं, ये जहाँ पे जाएगा वो अष्ट पवित्र भूमि होगी। तो 8 हरण है, जम का हरण, बद्ध का हरण, ऐसे ही 8 हरणों में से वो हर जगह हो आया, तो उसको कहीं भूमि नहीं मिली। यहाँ पे माँ सती जी हवन कर रही थी, जिसका धुआं ऊपर में जा रहा था आकाश की। तो जब चक्र इधर से गुजरा 8वें हरण से, तो इसका नाम है नैमिषारण्य। नैमि बोलते हैं धुरी को और आरण्य बोलते हैं जंगल को, तो नाम पड़ा नैमिषारण्य। तो जब चक्र की शिखा में धुआं टच हुआ तो पृथ्वी में आ गया। धीरे धीरे 6.5 पातालों का भेदन हुआ। जब भेदन होने लगा, जब ऋषियों में हाहाकार मच गया और ऋषि मुनि देवता जी के पास गए, क्या प्रभु जो आपने चक्र छोड़ा है वो 6.5 पातालों का भेदन हो गया, अगर 7वां पाताल टूट जाएगा तो पृथ्वी जगमग हो जाएगी, फिर हम लोग बैठ के तपस्या आप कहाँ करेंगे। यहीं पे माँ ललिता देवी का सिद्ध पीठ मंदिर है, आप जब उनका दर्शन करेंगे तो उन्होंने चक्र की शिखा को धारण किया है, उनका दाहिना हिस्सा झुका हुआ है। तो उन्होंने कहा कि शक्ति को परम शक्ति रोक सकती है, वहीं पे माँ ललिता देवी जी तपस्या कर रही हैं, आप लोग उनके पास जाइए। जब वो वहाँ आके माता की विनती की, तो उन्होंने चक्र की शिखा को धारण किया। ये नैमिष का महत्व है, बाकी 84 कोश की भूमि है। ये है नैमिषारण्य, अभी इसको देखिए, ये है नैमिषारण्य। अभी आपने भैया से सुना इस पूरे नैमिषारण्य का महत्व, आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ से पूरा आपको दिखाई देगा। यहाँ से अभी आप कुछ बता रहे थे 84 कोस के बारे में। बैठ जाए।
ये पांच तीर्थ हैं, चक्र तीर्थ, कुंड, गौघाट, गोदावरी, पंचप्रयाग। तीर्थों के राजा प्रयाग हुए। यहीं पे रामादल नाम का फागुन के मेले में मेला उठता है। फागुन के मेले जी, फागुन। जब रामचंद्र जी ने रावण को मारा है तो उनको ब्रह्म दोष लग गया था। रावण ब्राह्मण थे, रामचंद्र जी क्षत्रिय थे, तो उनकी हाथ बाएँ हाथ की गदेली पे सुरा नाम का बाल जमाया था। तो वो दान पुण्य यज्ञ सब करते रहे लेकिन वो बाल कहीं नहीं गिरा। राम जी खुद एक अंतर्यामी थे लेकिन उन्होंने अपने गुरु का आदर रखने के लिए एक सभा लगवाई, अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरु जी मेरी बाएँ हाथ की हथेली में बाल जमाया। तो उनके गुरु ने कहा कि आपको ब्रह्म दोष लगा हुआ है, आप नैमिषारण्य की भूमि में जाएं और 84 कोस का परिक्रमा करें, जहाँ पर ये नाम बाल गिर जाएगा वो हत्याहरण तीर्थ कहलाएगा। तो यहाँ नैमिषारण्य की फागुन की परेवा से 200 लाख साधु संत हाथी घोड़ा पीने से एक साथ जाते हैं, आज भी परंपरा चली आ रही है। तो राम जी जब इधर यहाँ से गए, 9 दिन 9 पड़ाव पड़ते हैं, जिसमें एक हत्याहरण तीर्थ आएगा जहाँ पे राम जी ने वहाँ पे बाछी का दान किया है। तो बाएँ बाछी की पूछ में ही बाल चला गया था। और लोग कहते हैं कि गौ तो पालन करनी होती है, 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जो सृष्टि है ये सबसे लास्ट बताई गई है। जो जैसा कर्म लास्ट में करता है वो ऐसा फल मिलता है। इसके बाद ये शरीर केवल गौ का ही पाता है। अगर मुक्ति मिलनी है तो इसीलिए कहते हैं भव सागर पार करती हैं गौ, ये गोदान करते हैं। तो इस जैसा ये इसके बाद हम कर्म करते हैं तो ये लास्ट योनि अगर गौ की होती है उसके बाद हम लोग पृथ्वी लोग को छोड़ के भगवान की शरण में जाते हैं। इसमें एक चीज़ जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक चीज़ इसमें मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे भवसागर की आपने बात करी तो गरुड़ पुराण में जिक्र है कि जो नदी है वो पार तभी की जा सकती है जब आप गाय का दान दें, गाय के दान के बाद ही वो जो है पास की जा सकती है, नहीं तो वो मल मूत्र मय सभी चीज़ों के से जमी हुई है। जो भी गरुड़ पुराण में हम लोग सुनते हैं सब यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य को जैसा कर्म जो भी जैसे प्राणी करता है सब यहीं भोगता है, और इसीलिए सत्य को लोग मानते हैं, असत्य की विजय होती है। ये एक सत्य ही कहते हैं, कुमकुम चंदन लेपत लिंगम तत्व प्रणाम महाशिवलिंगम। तो जो ये मंत्र है ये एक शक्ति है, और शक्ति जब हृदय में होती है तभी उसको लोग मानते हैं। ये एक आस्था अगर हम लोगों में ना हो, एक परंपरा ना हो, तो आगे आने वाले समय में लोगों का कैसे विश्वास ही भगवान से उठ जाएगा। यहीं पे 4 वेद 17 पुराण की रचना की गई, आगे में व्यास पीठ है, हनुमान गढ़ी है, यहीं पे हनुमान जी पे ताल तोड़ जो व्यास पीठ यहीं पर है। जो भी आप जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी आपको ग्रंथ हैं वो नैमिषारण्य में ही गढ़े, जिन्हें एक दंत दयावंत चार भुजाधारी कहते हैं। तो उन्होंने अपने गुरु से आदर कहा था कि हम जिस समय आप रुकेंगे उस समय हम लिखना बंद कर देंगे। तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ के सारे ग्रंथों की रचना की हुई। चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिल गई है, ये थैंक यू वेरी मच।